दिल हूँ जा हूँ शहजादा है प्यार हूँ सबसे प्यारा यारों का मैं यार हूँ लेकिन जब से तुझे देखा ओ जाने जाना तब से हुआ दिल तेरा दीवाना जब से तुझे देखा ओ जाने जाना तब से हुआ दिल तेरा दीवाना मैंने ना देखी ऐसी हसीना देखा सारा जमाना देखा सारा जमाना हरे चम्मा है तू तो मैं हूँ परवाना मेरे लबों पे तेरा तराना मैंने ना देखी ऐसी हसीना देखा सारा ज़माना देखा सारा ज़माना रे लगे तू तो मुझको ख्वाबों की रानी लगे मैं तेरा क्या हूँ मुझको बताना राज मोहब्बत मुझसे छुपाना मैंने ना देखी ऐसी हसीना देखा सारा ज़माना देखा सारा ज़माना हरे मैं हूँ माँ। अरे देख तुम्हारे किसे पकड़ लाया हूँ। विशाल तुम? नमस्ते आंटी जी। कहाँ था रे तू इतने दिन? हाँ तुझे अपनी आंटी की याद नहीं आई? और माफ कर दो आंटी जी अगली बार ऐसी गलती नहीं होगी। अच्छा चलो चलो अंदर आओ। चल। यार विशाल आज मेरे साथ एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई। क्या हुआ? जिंदगी में पहली बार आज किसी लड़की ने मेरा हाथ झटक दिया। खबर तो बहुत दुखदायक है यार। वो तो है ही, सारी दुनिया हम पर मरती है और हम किसी और पर मर मिटे। लेकिन यार मैं तो सोचता था तू अन्नू से प्यार करता है। क्या कहा? चुप, आ गई। अन्नू? कौन अन्नू? वो डांसर? वो तो मुझे एक आंख नहीं भाती। हाँ आंटी जी उसी से शादी की बात कर रहा था ये। क्या विकी तेरा दिमाग तो ठिकाने है ना? अरे माँ तू तो बस। देख विकी कान खोल कर सुन ले, हमारे घर में एक डांसर सिंगर है वो बहुत हो गया, दूसरे डांसर की कोई जरूरत नहीं। अब हमारे घर में एक अच्छी सी बहू की जरूरत है। क्यों और क्या, कब से मैं भी उसे यही समझा रहा हूँ, समझता ही नहीं रहा। नहीं समझता है तो ना समझे, जिंदगी तो इसे ही गुजारनी है। हमारा क्या है, आज हम है कल नहीं है, हमारा काम है इसे समझाना, ये समझे या तो नहीं समझे। हाँ मगर क्या करूँ, माँ हूँ ना, बेटी की फिक्र तो लगी ही रहती है। एक्सक्यूज मी, मैं मिस्टर विकी से मिलना चाहता हूँ, आई एम अ जर्नलिस्ट। सर आपसे मिलने कोई जर्नलिस्ट आए हैं, मिस्टर विनोद तलवार। ओके सेंड हिम इन। 3 महीने यूरोप का टूर करने के बाद मैं काफी थक चुका हूँ नवल, अब मैं कुछ दिन माँ के साथ गुजारना चाहता हूँ। लेकिन विकी
स्कूल ऑफ द ब्लाइंड को जो 3 शोज प्रॉमिस किए थे वो तो करने ही पड़ेंगे, इजंट इट? श्योर, व्हाई नॉट? अच्छा मैं उसे कंफर्म कर लेती हूँ। हेलो हेलो मिस्टर विकी। हेलो। अच्छा फिर शाम को रिहर्सल हॉल पे मिलेंगे। ओके आना, सी यू। ओके बाय बाय। आइए बैठे। ओह थैंक यू। आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं इंटरव्यू नहीं दिया करता, फिर आपके यहाँ आने का मकसद? दरअसल बात यह है मिस्टर विकी कि अगर मैं आपसे पूछे बिना वो खबर छाप देता तो आप मुझसे नाराज हो जाते। कौन सी खबर? वही कि इस शहर का फेवरेट सिंगिंग स्टार विकी, जिसे कल रात शो में एक लड़की ने ठुकरा दिया। ये आपको कैसे पता चला? जी मैं उस शो में मौजूद था। अच्छा, तो क्या आप उसे जानते हो? हाँ हाँ, उसका नाम नेहा है और वो भारद्वाज जिला में रहती है। उसका फोन नंबर है 1617। क्या नंबर बताया? 1617। मगर उसके अंकल से होशियार रहिएगा, बड़ा फौलादी हाथ है उसका। उसने मुझे एक ही थप्पड़ में दिन में तारे दिखा दिए। बादराम मिस्टर विनोद, जिस दिन वो मेरी बाहों में होगी मैं तुम्हें जरूर इंटरव्यू दूंगा। प्रॉमिस? आई प्रॉमिस। ओके थैंक यू मिस्टर विकी।